तो हम लोग निकले हैं आज आपको बिरयानी का टेस्ट कराने, और ऐसी वैसी बिरयानी नहीं है। पटना में जब बिरयानी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय जो लोग थे जिन्होंने कि स्टार्ट किया था, आज हम लोग वहीं खड़े हैं। बिरयानी हाउस, ये पटना का पहला आउटलेट था जो बिरयानी सर्व करना जिसने शुरू किया आज से करीब करीब 18 साल पहले। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और आज आपको बिरयानी हाउस में सिर्फ बिरयानी नहीं और भी बहुत सारी एक से एक ज़बरदस्त डिशेस टेस्ट कराएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, लोकेशन आपको समझाते हैं। ये सामने मेरे एग्जीबिशन रोड, आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, शुरुआत हो रही है। जब आप गांधी मैदान की तरफ से एंटर करेंगे तो फ्लाईओवर के शुरू होने से पहले ही आपको बाई तरफ में ये रास्ता अंदर घुस रहा है, और इसी में HDFC बैंक का ATM है, और उसके बगल में ही आपको मिल जाएगा बिरयानी हाउस। और इसका जो गूगल मैप का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आपको पहुँचने में कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग बिरयानी हाउस में हैं और हमारे साथ रज्जी जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कितनी पुरानी जगह है और फेमस क्यों है। रज्जी जी स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। कब शुरुआत हुई इस जगह की ये बताइए। 2003 में। 2003, 18 साल करीब हो गए। अच्छा, अगर मैं पूछूं खास क्या है, आप डिफरेंट क्यों हैं? खास इसलिए है कि पटना में बिरयानी को लाने वाले हम ही लोग हैं जी, शुरुआत हम ही लोग बिरयानी से किए। हाँ, उस वक्त आज तो बहुत सारे शॉप हो गए बिरयानी के जी, लेकिन पहला हम ही लोग हैं। क्या बात है, मुझे भी याद है मैं जब दर्श में जॉब करता था, ये 2009 की बात है, तो उस वक्त आपका जो ये आउटलेट है रोड के उस तरफ होता था, तो उस वक्त से हम लोग खा रहे हैं। और बिरयानी नाम उस वक्त लोग जानता नहीं था, इतना फेमस ही नहीं था। हाँ, हम लोग टेस्ट को मेंटेन रखे हुए 2003 में जो आपको देते थे वही आज भी आपको टेस्ट मिलेंगे। मेनू भी मेरा सेम है, ज्यादा मेनू नहीं है, जितना है उतना मेंटेन रखा है। शुरू से हम देखे कि बहुत बड़ा मेन्यू नहीं रखते हैं। मेरे कारीगर भी आज भी वही हैं जो अच्छा उस समय के हैं कारीगर जो 18 साल पहले थे। क्या बात है, तो स्वाद कंसिस्टेंट चला जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बाकी टेस्ट करके आपको तो बताएंगे, तो टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं। मैंने तो कई बार टेस्ट किया है, आज आपके साथ यहाँ का टेस्ट साझा करते हैं, और बने रहिएगा लास्ट। चलिए जी, तो हमने खाना मंगा लिया है, आज बटर नान भी है मेरे साथ, मटन भी है और चिकन भी है। मटन स्ट्यू है और यहाँ पे है चिकन हांडी, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स में से चीज़ें हैं जो हमने मंगाई है। साथ में जो यहाँ पे है ये है स्पेशल मटन बिरयानी, अंडा भी है इसके अंदर, मटन के भी पीसेस हैं, और अरोमा बहुत अच्छी आ रही है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऊपर से बहुत अच्छे से ब्राउन अनियंस जो ब्रिस्ता बोलते हैं उससे सजा के दिया गया है। और किचन में जब मैं था, आपने भी देखा है कि किस तरह से बिरयानी बन रही थी और मटन स्ट्यू किस तरह से प्रिपेयर हो रहा था। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जनरली वही होता है सही तरीका, कि मटन के अंदर पानी नहीं डालते हैं, मटन को अपने जूसेस में पकने दिया जाता है, इससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो पहले मैं मटन टेस्ट करके आपको बताता हूँ, और 4 पीस मटन है सिर्फ 150 रुपये में, तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त। पीसेस पहले प्रथम दृश्य पीसेस अच्छे हैं, अच्छी तरह से गले हुए, रेशे वाला पीस है पिछला रान का, और ये मटन की ग्रेवी के साथ, और इसमें बाकायदा भाई तेल आपको मिलेगा, तो अगर मटन खा रहे हैं और रोगन नहीं हो उसमें तो मज़ा नहीं आएगा। बटर नान के साथ मटन, वाह, मटन बहुत टेंडर, और जो मसालों का स्वाद है ना वो बहुत हल्का प्यारा है। जितना ये हैवी दिखने में लग रहा था, मुझे लगा कि मसाले ज़्यादा होंगे, जीरा का एक स्लाइट टेस्ट आएगा, काली मिर्च का एक स्लाइट टेस्ट आएगा, और मटन का एक टेस्ट आएगा। जब अपने जूसेस में मटन पकाया तो जो बोन मैरो के साथ ब्रॉथ निकलता है उसका, उसका एक फ्लेवर आएगा, उसकी एक खुशबू आएगी आपको इसमें। तो ये मटन स्टू आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट लगा मुझे, तीखा नहीं है बिल्कुल भी, मसालेदार नहीं है। और ये देखिए पीसेस की क्वालिटी देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो नान है बटर नान ये भी बहुत सॉफ्ट है, और इसमें खमीर भी अच्छे से उठा हुआ है। मैं एक बार
बहुत बढ़िया। कुछ ही जगह होती है जहाँ पे मटन सही में अच्छा होता है, मटन वाकई अच्छा है। एक चीज़ लेकिन आप गौर करेंगे जब आप आएंगे, मटन की जो एक खुशबू होती है अपनी, वो इसमें से आएगी। और ये मैं नान की बात कर रहा था, नान दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये खमीर उठा हुआ है इसमें, नान में आप देखिए इसको अच्छे से फर्मेंट किया गया है, और फर्मेंट करने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट हुआ है। मतलब अगर ये ठंडा भी हो जाता है तो आपको उस तरह से खींचना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मटन स्टू बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद जो हमारा चिकन हांडी है उसे ट्राई करते हैं, और ये लेग पीस है, साइज़ आप देख लीजिए। और इसमें आपको दो पीसेस मिलते हैं 140 रुपए के अंदर, और दोनों पीस काफ़ी अच्छे हैं, साइज़ पीस का अच्छा है, थिक ग्रेवी है बहुत, और मसालेदार लग रही है। ज़ीरा का एक बहुत अच्छा खुशबू इसमें से आ रहा है मेरे को, टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये बहुत डिफरेंट है, प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इसमें, और प्याज को जब भून दिया जाता है, ब्राउन अनियंस, ये उससे बनाया गया है, क्योंकि इसमें वो मीठापन आएगा आपको। सबसे पहले टेस्ट में जो प्याज का मीठापन है वो आ रहा है, और हल्के हल्के मसाले, जैसे मैंने आपसे बताया ज़ीरा है, गरम मसाले कुछ हैं, काली मिर्च है, लेकिन सब कुछ सटल है, बहुत बहुत आराम से सॉफ्ट रखा गया है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, ये जितना देखने में अग्रेसिव लग रहा है उतना खाने में नहीं है। लेकिन ब्राउन अनियंस के साथ जब आप पकाते हैं तो वो जो एक स्मोकी मीठा सा फ्लेवर आता है वो है, और वो डिफरेंट कर देता है आपको ये डिशेस को। आपके दोनों ही डिशेस बहुत ही बेहतरीन, और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, मात्र 150 रुपये में 4 पीस मटन और 140 रुपये में 2 पीस चिकन, तो बहुत अच्छी डील है। और बटर नान जैसा मैंने आपको पहले कहा था सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली खमीर उठा हुआ है, और एक थोड़ा सा चिकन का, वाह चिकन भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा, चिकन बहुत टेंडर है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी ये दोनों डिशेज आप ट्राई कर सकते हैं, 100% ट्राई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे, और आते हैं हमारी बिरयानी की तरफ, जो बहुत देर से इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा नंबर आएगा। साथ में थोड़ा सलाद भी है, और सलाद खाने का तरीका है कि पहले नींबू को अच्छे से उस पर निचोड़ लीजिए, और फिर आप नमक वमक डाल के खा सकते हैं। अब हमने जो ऑर्डर किया है वो है स्पेशल मटन बिरयानी, 260 रुपए की है, और दो पीस इसमें मटन आएगा और एक अंडा भी है, क्या बात है। बिरयानी में ना ये मुझे बहुत पसंद है, सारी चीज़ें ऐसे हिडन होती हैं, आप उसको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ अच्छी बिरयानी मिले वो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँ, आपको बताऊँ। और मटन बिरयानी खाने के लिए बहुत कम प्लेसेस है पटना में जहाँ पे कि आपको अच्छी मटन बिरयानी मिलेगी, तो ये है पूरा, आप हिसाब किताब देखते हो। अच्छा आलू भी है, क्या बात है। तो ये रहा, ये चार चीज़ें निकले, तीन चीज़ें निकले, दो पीस मटन है, और साइज़ भी मटन का आप देख सकते हो अच्छा खासा साइज़ है, एक अंडा है, एक आलू है, ऊपर से बिरिस्ता और बिरयानी, और इसमें से भी जो अरोमा आ रहा है उसमें मटन का एक फ्लेवर है जो मटन के जूसेस में पका हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बिरयानी बनाते हुए दिखाया था कि दूध में यखनी तैयार की जाती है, उसके उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, उस यखनी में मटन को या चिकन को बॉयल किया जाता है ताकि पूरा जो फ्लेवर है ना वो अंदर अच्छे से घुस जाए, फिर पूरे बिरयानी में उसका टेस्ट रहे। और यखनी जो बनती है वो ब्रॉथ होता है। अरे अरे वाह क्या बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सॉफ्ट इतना प्यारा पीस निकलेगा, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक ऐसी मटन बिरयानी की पीस मुझे नहीं मिली थी, आपने वीडियोस में देखा भी है। बहुत हल्का फ्लेवर, कलकत्ता स्टाइल की बिरयानी है, हल्का फ्लेवर है, बहुत बहुत माइल्ड, और मटन में जो अच्छा रायता भी आ गया हमारा, थैंक यू। मटन में जैसा मैंने बताया कि ब्रॉथ के अंदर उसे उबाला गया है तो वो अंदर तक फ्लेवर इससे घुस गया है, बहुत बढ़िया।
मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा ये बिरयानी ट्राई करने के लिए। ये टाइप की, ये क्वालिटी की बिरयानी आपको नहीं मिलेगी। और बहुत जगह बिरयानी में एक इत्र, एक एसेंस डाला जाता है खुशबू के लिए, तो बहुत लोगों को वो एसेंस नहीं पसंद आता है। तो अगर आप वो चीज़ नहीं पसंद करते हैं एसेंस, तब आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे वैसा कोई भी जो इत्र या एसेंस का इस्तेमाल किया था वो नहीं है। बिरयानी में प्रॉपर फ्लेवर है और ब्राउन अनियंस का बीच बीच में टेस्ट आएगा। आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट पके हुए, आलूओं को उबाल के फिर अलग अलग जो ये मसाले होते हैं उसके साथ उसको मैरिनेट किया जाता है। तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया है। मटन और चिकन, ये दोनों डिशेस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये प्लेस। आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आइएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा टेस्ट। थोड़ा सा ये रायता, अरे वाह, ठंडा ठंडा रायता, बहुत बढ़िया, दही भी प्रॉपर है। तो इस बढ़िया से बिरयानी, बढ़िया से चिकन और मटन के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और इस बिरयानी की प्लेस को ट्राई करना आपको बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।